Hey, good morning, guys. Second day of our trip. इन वादियों में थोड़ी मस्ती कर रहे हैं फैमिली के साथ. बहुत अच्छा क्लाइमेट हुआ हुआ है और नेचर है. बेसिकली नेचर से तो बेस्ट कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ नेचुरल है, सब प्राकृतिक है. आप पीछे मेरे देख रहे होंगे ऐसे बड़े बड़े माउंटेंस हैं और वो सारे के सारे फॉग ने कवर किए हुए हैं. फॉगिंग इज जस्ट लाइक क्लाउड्स. आज का प्लान है सेकेंड डे लैंसडाउन चलते हैं. वहाँ पे भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है इन्फिनिटी पूल के साथ, जैसा अभी तक सुनने में आया, देखने में आया, रिव्यूज से हमने पता करा है. तो एक्सप्लोर करते हैं आपके लिए. देखो, व्लॉगिंग का मेरा पहला उद्देश्य और जो पर्पस है वो ये है कि भाई ये सब टाइम है जहाँ जहाँ पे हम घूम रहे हैं, अपने अच्छे पल्स व्यतीत कर रहे हैं, तो ये आपकी एक यादें और मेमोरीज की तरीके से आपके पास सेव हो जाती है. दिस इज़ अ प्राइम यू नो प्रायरिटी फॉर मी टू मेक द व्लॉग्स. इसके अलावा सेकेंडरी क्या है कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ किसी तरीके से हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस पे कुछ हेल्प हो जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या क्लाइमेट है, वहाँ की रोडें कैसी हैं, वहाँ पे किन प्रॉपर्टियों पे रुक रहे हैं, उनकी क्या लोकेशन, ब्यूटिफिकेशन क्या प्लस माइनस हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी हिसाब से बनाते हैं. बहुत ज़्यादा लोग, अब मैं ऐसा नहीं कि मैं डेली टाइप से कर रहा हूँ या वीकली टाइप कर रहा हूँ, कभी कभी कर रहे हैं. बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया, यही दो पर्पस हैं सॉली. मुझे कोई इसमें फाइनेंशियल एड की ज़रूरत भी नहीं है और ना मैं किसी तरीके से लेता हूँ. भगवान ने दो रोटी लिखी हैं तो मुझे लगता है वो मिल ही जाएंगी कहीं ना कहीं. हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो कर्म प्रधान होने चाहिए, आदमी कार्मिक होना चाहिए, जिससे कि जो भी उसकी चीज़ें हैं वो उसको वापस उसी रिजल्ट पे मिलती जाएं. तो यही सब है और कुछ खास नहीं है. अब आपको लैंसडाउन से आगे जो होते हैं बाकी ये हमारी कॉटेज हैं जिनमें हम रुके हैं, एक और दूसरा, ये दो डूम्स हैं. सो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस ओवर हियर. खाना बहुत अच्छा था, हाईली रिकमेंडेड. पार्किंग अपनी है, पर्सनल है इन लोगों की, पार्किंग भी इशू नहीं है. बट अगेन थोड़ा कॉमर्शलाइज हैं, जैसे गाड़ी धोते हैं तो 200 रुपये उनको भी चाहिए और भी कोई चीज़ अलग से आप मांगते हैं. तो थोड़ा सा लोगों ने मानवता को कम रख के कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी पैसे वाली ज़्यादा बनाई हैं. हाउएवर खर्चे भी होते होंगे, ऐसा नहीं है. तो ये लोग हैं यहाँ पे जंगल में मंगल खड़ा कर रहे हैं तो इनके भी खर्चे होते होंगे. तो ये सब चीज़ें, बाकी रूम बहुत हाइजीनिक है. यू विल फील लाइक कि आपके जैसे घर का रूम होता है उसी तरीके से वॉशरूम बहुत हाइजीनिक है, हाईली रिकमेंडेड, जो बहुत रेयरली मिलते हैं. बड़े बड़े 7 स्टार्स और सब में रुके हुए हैं, बट फिर भी उसके बावजूद भी इसको हम सबसे अच्छों में से एक रखते हैं. तो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस. बाकी खाना अच्छा है, डिसेंट है, खाना आपको अच्छा लगेगा. बाकी घर जैसा तो मिल ही नहीं सकता, जो घर है वो तो कुछ नहीं हो सकता. चलो सी यू, मिलते हैं आगे लैंसडाउन के अंदर. जय बजरंगबली. तुझे कॉन्फिडेंस रखना है, ये कुछ नहीं जाएगा नीचे, तुझे अपने पे हैंडल करना है बस. लचक तो आएगी, वो लचक तो आएगी. शाबाश बेटा, कर लिया अब तो तूने सारा, कर लिया.
Arav have done it. आओ आपको लॉइन डेन दिखाते हैं। नहीं नहीं तो बहुत कच्चा होगा, बहुत कच्चा है ये तो भी कच्चे हैं। बिल्कुल तभी पूछने चाह रहे हैं आपका कौन सा गांव है, कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे उमरिला। अच्छा आंटी कितनी दूर है ये? हाँ जी हाँ जी। तो कितने गांव होंगे इसमें, मतलब घर होंगे गांव में इसमें उमरेला में? बड़ा गांव है। अच्छा 90 घर हैं, तो सभी बिरादरियां रहती हैं इसमें करीब करीब हैं। अच्छा ठाकुरों का मेन गांव है। अच्छा वो तो सब होते ही हैं गांव के। रावत भी तो होते हैं तुम लोगों में? हाँ, रावत नेगी भी ठाकुर ही होते हैं ना क्या? अच्छा चलो बढ़िया है। अरे आदम मंदिर है ना बाबा, तो वहाँ करते हैं काम। अच्छा सिद्ध बाली जो है हमारे यहाँ पे भी है। अच्छा ये मंदिर में काम कर रहे हो आप? ओके मैंने सोचा प्रॉपर्टी पे आप आए हो। मंदिर में कर रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं आप? भाई वाह बहुत। अच्छा ये जो ये मंदिर है, मंदिर बन गया, ये गांव का मंदिर है? अच्छा गांव का है। हमारे ना घुमक्कड़ फैमिली एक छोटा सा हमने वो बनाया हुआ है ब्लॉग, तो उसमें आप लोग भी आएंगे, उसको हम उस पर डाल देंगे। दो चार दिन बिल्कुल उसमें लग सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम लैंसडाउन जाएंगे, तो कल से बली होके आए हैं हम, थोड़ा सा इसी जगह पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बधाई है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय माता की, जय भगवान के आशीर्वाद बना रहेगा। आमला। गाइस, दिस इज ऑल्सो मेन कॉरिडोर जो इस रिजोर्ट की सुंदरता को और परिपूर्ण करती है, परिपाक बनाती है। जैसा आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पूरा कॉरिडोर ग्रीन बेल्ट है, इसकी मैं आपको कुछ आगे झलकियां देता हूँ जो आपको डूम एरिए पे लेके जाती है। तो इसमें ना आप देखेंगे ये नेचुरल है, अगर जब इन वॉल की बात करते हैं तो ये सारी की सारी नेचुरल है, एलईडी से आई थिंक ये कन्वर्ट हुई भी है, और फर्श भी। तो आप ये देखें यहाँ पे कोई ड्राइंग पेंटिंग खर्चा लेबर इन सब की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत सुंदर है। ये डोम शुरू हो ये हिल्स है। गाइज वे टू लैंसडाउन, ब्लू पाइन प्रॉपर्टी है एक हमने जो बुक कराया रिजॉर्ट, वहाँ पे 4-स्टार प्रॉपर्टी है। जुड़े रहिए, जहाँ इन्फिनिटी पुल भी है, बहुत कुछ है दिखाने के लिए। स्टे ट्यून, आगे लेके चलते हैं आपको।
ये देखिए हमें क्या मिला, बिग डैडी। और हमारे नाश्ते के बाद अब इनके नाश्ते का प्रबंध किया गया। देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं। अरे भाई रोड पे मत आओ, हम पे भी पाप चढ़वाओगे, साइड बैठ के खाओ। बाय बाय। Guys, after checking to the hotel, now we are proceeding towards a view point. और ये सबसे ज़्यादा पीक पे है। आइए आपको दिखाते हैं, इससे पहले आपको कंटोनमेंट एरिया दिखाएंगे जो बड़ा फेमस है लैंसडाउन का, बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ़ सुथरा।
आपका भी दिल खुश हो जाएगा देश और देश के प्रति अगर जो आप प्यार करते हैं तो। तो टिप एंड टॉप के बाद कुछ पेट पूजा और कुछ मार्केट शॉपिंग। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू।